नमस्कार, मैं हूं पवन। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद का हरियाणा और पंजाब में खासा असर दिख रहा है। दोनों ही राज्यों में प्रदर्शनकारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर भी कब्जा कर लिया। दिल्ली में कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। किसान बीते 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट है और अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, साथ ही MSP पर गारंटी का कानून भी बनाया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी आंदोलनकारियों से बंद को सफल बनाने की अपील की है। एंटीलिया विस्फोटक कार मामले में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के पूर्व अफसर सचिन वाजे का बहुत जल्द DNA टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए सचिन वाजे का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। NIA वाजे को गुरुवार रात को रेती बंदर खाड़ी लेकर पहुंची। इसी खाड़ी से 5 मार्च को मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। सूत्रों के अनुसार मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया, फिर गाड़ी में ही उसके मुंह में रुमाल ठूंसने के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। 1 अप्रैल से नए चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने को लेकर ADR की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ADR ने अपनी याचिका में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो 5 राज्यों में चुनाव के ठीक पहले फर्जी यानी शेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक पार्टियों को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ADR की दलील नहीं मानी। ADR की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड के खिलाफ तर्क दिया कि ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चंदे की आड़ में रिश्वत प्राप्त करने के उपकरण में बदल गया है। RJD की ओर से बुलाए गए बिहार बंद का भी खासा असर दिखाई दे रहा है। इस दौरान RJD सहित महागठबंधन में शामिल तमाम दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान बिहार विधानसभा में विधायकों से हुई धक्का मुक्की के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शर्म और नैतिकता बेच दी है। तेजस्वी ने कहा है कि ये बंद बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण, विधायकों की पिटाई, बेरोजगारी, महंगाई, कृषि कानूनों के विरुद्ध बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी का स्वागत किया। मोदी ने ढाका में बंगबंधु गांधी प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। मोदी बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सतकीरा और गोपालगंज के मंदिरों में दर्शन के लिए भी जाएंगे। PM मोदी की इस 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक UP में कुल 4 चरणों में 15 अप्रैल 19 अप्रैल 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम आपत्तियों को निस्तारित कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी थी। किसान आंदोलन के बीच हो रहे इन पंचायत चुनावों को लेकर राज्य में खासी गहमा गहमी है और इसके नतीजों से पता चलेगा कि क्या वाकई में किसान आंदोलन से BJP को नुकसान हुआ है या नहीं। मुंबई के भांडुप में स्थित कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना हुई है। इसमें अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यह अस्पताल एक मॉल में चल रहा था जहां गुरुवार देर रात आग लग गई। मौत का आंकड़ा और बढ़ने की बात कही जा रही है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से बातचीत की है। कहा जा रहा है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए ठाकरे सरकार कुछ और इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी कहा है कि 2 अप्रैल तक हालात पर नजर रखी जाएगी और अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते रहे तो राज्य सरकार के पास पुणे में लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को होली पर ध्यान देना होगा, कोई भी भीड़ न लगाए वरना कोरोना का संकट बेकाबू हो सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को एक दिन में 35,952 मामले सामने आए और 111 लोगों की मौत हुई। मुंबई में भी गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 5,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए। राज्य में ये कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर जबरदस्त उछाल आया और 59,118 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 257 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के मामलों का यह आंकड़ा बीते 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। बीते दिन संक्रमण के 53,476 मामले सामने आए थे और 251 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के मामलों में जिस तरह का उछाल जारी है उससे लोगों में जबरदस्त खौफ पसर गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 राज्यों में एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में जो तेजी आई है वो अगले महीने यानी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में अपने शिखर पर हो सकती है। यानी हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले अप्रैल तक बढ़ते रहने के आसार हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपनी एक रिपोर्ट में ये आशंका जताई है। असम विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 27 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा और इन सीटों पर गुरुवार शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। कुल 126 विधानसभा सीटों वाले असम में इन 47 सीटों के लिए सबसे ज्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा अनिश्चितता यही है। इन सीटों पर हिंदू असमिया मतदाताओं के साथ साथ चाय बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों की भी निर्णायक भूमिका है। असमिया मतदाता CAA के खिलाफ हैं और CAA के खिलाफ चले आंदोलन का जोर ऊपरी असम में ही था। इसने BJP की लोकप्रियता को ध्वस्त कर दिया था। असम में 3 चरणों में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार गुरुवार शाम को थम गया। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। BJP ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। TMC की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी ने ताबड़तोड़ सभाएं की। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जोर लगाया और वाम दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे रहे। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के जंगल महल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।